नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्सेस मंत्रा 24 और मैं हूं मुना कुमार यादव। आज के वीडियो में हम जानेंगे वह कौन सा मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोग काम तो शुरू करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उस काम को छोड़ देते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि कभी कभी वीडियो बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि हम कंटेंट में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। वीडियो में खो जाएं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक तो जरूर करें। तो आइए ज्यादा वक्त न लेते हुए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को शुरू करता है तो कुछ उम्मीद और कुछ सपने को लेकर उस काम को शुरू करता है। उसका सपना और उसका उम्मीद उस काम से जुड़ जाता है जिसको लेकर वह दिन रात मेहनत करता है। इस कदर मेहनत करता है कि उसे यह भी पता नहीं होता कि रात कैसे गुजर गई, सुबह कैसे हो गया, दिन कैसे गुजर गया। इतनी मेहनत करता है, इतनी कठोर मेहनत करने के बावजूद भी उस काम को कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ साल करने के बाद वो इंसान उस काम को छोड़ देता है और उस काम से वह असफल हो जाता है। अब सवाल यह है कि वह इस काम को क्यों छोड़ देता है। तो आइए जानते हैं उन मुख्य कारणों को जिनकी वजह से वह इस काम को छोड़ देता है। किसी भी काम को छोड़ने का मुख्यतः 7 कारण है। पहला, सही निर्णय का नहीं लेना। दूसरा, अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करना। तीसरा, खुद पर विश्वास की कमी। चौथा, काम की जानकारी का अभाव। पांचवा, सिस्टम को फॉलो नहीं करना। छठा, लक्ष्य का नहीं होना। सातवा, परसिस्टेंट का अभाव। तो आइए इन सभी कारणों को विस्तार से जानते हैं। सही निर्णय का नहीं लेना। कई लोग इसलिए किसी काम को काफी दिनों के स्ट्रगल के बाद इसलिए छोड़ देते हैं या इसलिए असफल हो जाते हैं उस काम में, क्योंकि वो सही निर्णय ले ही नहीं पाते, क्योंकि उनका निर्णय ही गलत होता है, क्योंकि यह निर्णय वह खुद नहीं लिए होते हैं बल्कि किसी व्यक्ति के कामों से प्रभावित होकर या किसी व्यक्ति के बातों में आकर वह इस निर्णय को लेते हैं। इसलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जब भी निर्णय लें, किसी भी प्रकार की अगर करियर संबंधी आप निर्णय ले रहे हैं तो आप खुद के दम पर लें, खुद के आत्मविश्वास से लें, किसी दूसरे के बहकावे में आकर नहीं लें, किसी दूसरे को देखकर नहीं लें, क्योंकि लोग रास्ते तो बताते हैं लेकिन चलना खुद ही पड़ता है। अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करना। किसी भी काम को छोड़ने का या किसी भी काम में असफल होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस स्किल से वह इस काम की शुरुआत किया था उसी स्किल से वह व्यक्ति इस काम को कर रहा है, यह सबसे बड़ा रीजन है। हालांकि उसको पता है इस ड्यूरेशन में, इस समय अंतराल में बहुत सारे लोगों ने अपनी स्किल्स को डेवलप किया और उसके बाद के लोग उससे आगे बढ़ गए, परंतु वह व्यक्ति अपने स्किल्स को डेवलप नहीं करता है। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिस भी फील्ड में आप करियर बनाना चाह रहे हैं या करियर बना रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, उस फील्ड में अपने स्किल्स को जरूर डेवलप कीजिए, क्योंकि सफलता पाने का एक ही हथियार है, वो आपका स्किल्स। खुद पर विश्वास की कमी। आप समझ सकते हैं कि इंसान किसी भी काम को क्यों छोड़ रहा है या किसी भी काम में असफल क्यों हो रहा है या क्यों हुआ था, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो किस काम को किस तरीके से कर रहा है, वो इस काम को क्यों कर रहा है। उसको अपने आप पे भरोसा है ही नहीं। वो दूसरे को देख के इस काम को शुरू किया था, वो दूसरे को देख कर इस काम को कर रहा है। अब ऐसे लोग भला कैसे कामयाब हो सकते हैं। ऐसे ही लोग उस काम से असफल होते हैं और उस काम को बदनाम करते हैं। काम के जानकारी का अभाव। किसी भी व्यक्ति को किसी भी फील्ड में या किसी भी काम को काफी दिनों के करने के बाद अगर उस काम में उसे सफलता नहीं मिल रही है या उस काम को छोड़ रहा है या छोड़ दिया है, इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति उस काम के प्रति जानकारी नहीं लिया है, उसके काम के बारे में पता ही नहीं है कि इस काम में क्या क्या होता है, कैसे किया जा सकता है, क्योंकि वही वैसा काम है जिस काम में बहुत सारे लोगों ने कामयाब भी हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने पैसे भी कमाए हैं और कमा भी रहे हैं। लेकिन वह व्यक्ति अगर उस काम को छोड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि वह ट्रेनिंग नहीं ले रहा है, इसका मतलब यह है कि वह एजुकेट अपने आप को नहीं कर रहा है, सिस्टम को फॉलो नहीं करना। कामयाब लोगों का मानना यह है कि कामयाब हम नहीं है परंतु कामयाब सिस्टम है। अब इसका मतलब यह हो सकता है कि उन्होंने किसी न किसी एथिक्स को फॉलो किया जिसकी वजह से वो कामयाब है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वो जिस फील्ड में थे उस फील्ड के कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ डिसिप्लिन को उन्होंने फॉलो किया। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी काम को लंबे समय से कर रहा होता है, उसके बाद भी उस काम को छोड़ देता है या उस काम में उसको असफलता मिलती है, इसका मतलब ये हो सकता है कि उसी सिस्टम को फॉलो करके अगर लोग कामयाब हुए हैं परंतु वो व्यक्ति कामयाब नहीं हो रहा है,
इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वो व्यक्ति उस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है। लक्ष्य का नहीं होना। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी काम को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता है कि वो काम को क्यों शुरू किए हैं और इस काम से वो क्या चाहते हैं। अब कारण ही पता नहीं कि हम इस काम से क्या चाह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो क्या वो व्यक्ति उस काम से सफलता हासिल कर सकता है? नहीं कर सकता। और यही वजह है कि वह व्यक्ति उस काम को छोड़ देता है, उस काम में असफल हो जाता है। परसिस्टेंट का अभाव अर्थात दृढ़ संकल्प का अभाव। कामयाब लोगों का ऐसा मानना है कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक न एक दिन जरूर मिलती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम दृढ़ संकल्पित हो जाए, कब तक? जब तक कि हमें सफलता हासिल न हो जाए, तो वाकई में हम सफल हो सकते हैं। अब दृढ़ संकल्पित का मतलब यहाँ पे यह है कि जब किसी काम को हम शुरू करते हैं, शुरू से लेकर उस काम को अंत तक, जिस मंजिल तक हम पहुँचना चाहते हैं, पहुँच नहीं जाए तब तक हमें उस काम को करना चाहिए। आप सभी के लिए हमने दो प्लेलिस्ट तैयार किया है जो आपको बहुत मदद पहुँचा सकती है। इसी वक्त तुरंत इस चैनल को विजिट करें और दोनों प्लेलिस्ट को ओपन करके जरूर देखें। उम्मीद करता हूँ आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, और हाँ, हमारा यह चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज आपको अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।